नमस्कार भालक, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एपरेचर, आईएसओ और शटर स्पीड के बारे में। तो चलिए पहले हम बात करते हैं एपरेचर के बारे में। तो एपरेचर कुछ इस तरीके का होता है कि एपरेचर, जैसे कि मेरा आँख हो गया, ठीक है, तो आँख को आप सेंसर मान लीजिए, जो आपका कैमरा का सेंसर होता है वो, और मेरे चश्मा को मान लीजिए वो लेंस, ठीक है, बेसिकली कैमरा का लेंस। और मेरे इस जो ये जो है बेसिकली ये छेद जो देख रहे हैं इसको मान लीजिए एपरेचर, और हम इसको चश्मा के सामने में रख दिए, ठीक है। तो ये अगर हम इसको ज़्यादा क्लोज कर देंगे तो कहने का मतलब एपरेचर जो है सो बढ़ा दिए, और इसको जितना ज़्यादा खोल देंगे मतलब चश्मा पूरे चश्मा का जितना एरिया है सब में से लाइट जा रहा है, तो कहने का मतलब इसका एपरेचर घट गया, ठीक है। तो एपरेचर का बस यही होता है कि मतलब ये जो एरिया है ये कितना खुला हुआ है या बंद है, ठीक है, इसी को एपरेचर कहते हैं। तो इससे होता क्या है कैमरा में, तो बेसिकली होता यह है कि मतलब जितना ज़्यादा खुला होगा उतना ज़्यादा लाइट अंदर जाएगा, और जितना ज़्यादा बंद होगा उतना कम लाइट अंदर जाएगा। और इसका दूसरा जो इफ़ेक्ट होता है ये होता है कि अगर आप कम छोटा इसको किए हुए हैं, मतलब एपरेचर इसका अगर बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, तो जो है सो एक जो आगे मतलब जो उसका फोकस डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि मेरा आप यहाँ पे फोकस किए, मतलब मेरे नाक पे आप फोकस किए किसी कैमरा से, ठीक है, और उसका एपरेचर जो है सो बहुत बढ़ा दिए हैं, मतलब एकदम पूरा खुला हुआ है, वाइड ओपन है, तो पूरा का पूरा लेंस जो है सो एक्सपोज है और सब कुछ एकदम दिख रहा है। तो कहने का मतलब जब आप पूरा का पूरा एपरेचर जो है सो एकदम कम कर दीजिएगा, यानी कि इसको पूरा वाइड ओपन कर दीजिएगा, तो मेरा जो है सो ये जो नोज़ है यहाँ पे दिखेगा, लेकिन इसके पीछे में जो है सो ब्लर हो जाएगा। तो आप जो देखते होंगे कैमरा में पीछे में बैकग्राउंड पूरा ब्लर है और आदमी सामने में है, तो ऐसा जो है सो इसलिए होता है क्योंकि उस कैमरे का एपरेचर जो होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। और एपरेचर आप बढ़ा दीजिएगा तो ये नाक भी दिखेगा मेरा, और मेरा पूरा मुँह भी दिखेगा, पूरा बैकग्राउंड भी दिखेगा। और एपरेचर आप घटा दीजिएगा, कहने का मतलब हाँ घटा दीजिएगा, तो मेरा नाक जहाँ पे फोकस किए होंगे वो दिखेगा, बाकी सब जो है सो बैकग्राउंड उपग्राउंड फोरग्राउंड सब ब्लर हो जाएगा, ठीक है, वही डिस्टेंस दिखेगा जिस पे फोकस किया हुआ है अगर आपका एपरेचर छोटा है तो, मतलब कहने का मतलब कि एपरेचर कम है तो और वाइड ओपन है तो यही दोनों इफेक्ट होता है एपरेचर का। और नेक्स्ट चलते हैं अपने आईएसओ की तरफ। तो आईएसओ होता है कि बेसिकली ये डिजिटल चीज़ है आईएसओ, कि आप अपने कैमरा को कितना सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। कहने का मतलब अगर आप अपने आईएसओ बढ़ा दीजिएगा, कैमरा का सेंसिटिविटी बढ़ा दीजिएगा, तो इमेज जो है सो वाइट वाइट हो जाएगा पूरा एकदम, उसका क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको वाइट वाइट बैलेंस जो है सो ज़्यादा हो जाएगा, वाइटनेस आ जाएगा। कहने का मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, तो कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जो भी है एकदम जो है पिक्चर वाइट वाइट हो जाएगा। कहने का मतलब कि ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा। और मतलब जब आप आईएसओ को कम कर दीजिएगा तो जो है सो अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। कहने का मतलब कि उसका क्या नाम होता है यार, भूल रहे हैं, एक मिनट, हाँ ब्राइटनेस कहते हैं उसको, बार बार भूल जाते हैं, बहुत भुलक्कर आदमी है तो बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। तो अगर आप आईएसओ बढ़ा दीजिएगा तो ब्राइटनेस भी बढ़ेगा, अगर आईएसओ आप घटा दीजिएगा तो ब्राइटनेस भी घटेगा। इसका उपयोग आप समझ सकते हैं, सिंपल सा बात है, जहाँ पे लाइट बहुत कम है, यानी कि रात के माहौल में, शाम के माहौल में आप बेसिकली आईएसओ बहुत ज़्यादा बम्प अप कर दीजिएगा ताकि जो है सो एकदम क्लियर दिखे। इसका एक नुकसान भी है, आप अगर आईएसओ बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा तो उसमें इमेज में जो है सो क्वालिटी लूज होने लगता है, वीडियो हो या इमेज हो उसमें जो है बेसिकली क्वालिटी लूज होने लगता है, इमेज में नॉइज आ जाता है। नॉइज़ कहने का मतलब बहुत सारा डिजिटल जो है सो डिजिटली जो है सो ग्रेनी आ जाता है। कहने का मतलब ख़राब हो जाता है इमेज क्वालिटी, समझ सकते हैं, नॉइज़ आ जाता है, यही समझ लीजिए कि ख़राब हो जाता है, ठीक है। और अगर आईएसओ आप कम कर दीजिएगा एकदम, तो आपका इमेज पूरा ही ब्राइटनेस कम हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो आईएसओ हमेशा ही एक बैलेंस में होना चाहिए। और तीसरा होता है शटर स्पीड। तो शटर स्पीड को आप इस तरीके से समझिए कि अगर आप कोई चीज़ स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हैं, मतलब आप एकदम लैंडस्केप खींच रहे हैं, किसी पहाड़ का या फिर किसी सूरज का एकदम जो है सो पिक्चर ले रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, शटर स्पीड को एकदम कम कर दीजिए। शटर स्पीड समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ जो है सो उसका जो मतलब मेरा आँख है, आँख का जो ये जो है ये पार्ट जो है ये बेसिकली शटर समझ लीजिए इसको, शटर, और हम इसको खोलें और बंद कर दिए तो यही हो गया शटर स्पीड।
हम 1 सेकंड के लिए खोले और बंद कर दिया, तो मतलब मेरा शटर स्पीड था 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में एक बार, 1 शटर पर सेकंड, ठीक है। और इसी को कहते हैं शटर स्पीड। अगर हम इसको खोले हुए हैं तो कहने का मतलब कि हमारा शटर स्पीड एकदम लो है। और देखते हैं हम लोग जो है सो बराबर जो है सो आँख झपकते रहते हैं। खैर इसका कोई, इसका तो अलग रीज़न है, इसका तो बायोलॉजिकल रीज़न है, क्यों आँख को मॉइस्ट रखने के लिए झपकते हैं। लेकिन कैमरा केस में वो नहीं होता है। कैमरा में होता है कि कितना देर तक ये ओपन है, उसी को कहेंगे कि शटर स्पीड कितना ज़्यादा है। शटर स्पीड आप अगर स्पोर्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ अगर मूविंग एकदम तुरंत सुई से मूव करके चला गया, तो वैसे केस में आप शटर स्पीड जो है सो बहुत फास्ट रखिएगा। इसका रीज़न है, अगर आप शटर स्पीड कम रखिएगा, मतलब लेंस को सेंसर को ज़्यादा समय तक एक्सपोज कीजिएगा, तो ऐसे केस में होता है ये कि आपका जो है सो इमेज जो है यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर मोटरसाइकिल गया तो उसका सारा का सारा लाइट उसमें जाता है कि वो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। और इमेज क्या होगा आपका प्रोड्यूस होगा, अगर शटर स्पीड कम है तो, शटर स्पीड कम है तो इमेज होगा कि आप यहाँ से यहाँ तक का मोटरसाइकिल दिखेगा, ब्लर हो जाएगा एकदम से, कहने का मतलब। और एकदम शटर स्पीड फास्ट है तो दिखेगा कि जहाँ पे था वही दिखेगा। तो कहने का मतलब अगर आप मतलब स्पोर्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो अपना शटर स्पीड हमेशा हाई रखिए, और अगर आप जो है स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हैं तो शटर स्पीड हमेशा लो रखिए। लो रखने का फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारा लाइट आएगा और एक एक डिटेल आप बहुत बढ़िया से ज़्यादा समय तक दिखेगा, एकदम बढ़िया डिटेल आएगा। तो इसीलिए यही है कि शटर स्पीड ऐसे, और तीनों को मिला के हमेशा ऐसा नहीं जो है सो परफेक्ट फ़ोटो आप खींच सकते हैं। तो कई केस में होता ये है कि लोग कोशिश करते हैं कि जब रात में फ़ोटो खींच रहे होते हैं तो क्या करते हैं, ISO बढ़ा देते हैं और जो है सो क्या बोलते हैं उसको, एपरेचर को जो है सो एकदम घटा देते हैं। कहने का मतलब एपरेचर खुला हुआ है तो एपरेचर को अगर आप पूरा घटा दीजिएगा रात में तो हो जाएगा कि बैकग्राउंड वैकग्राउंड सब ब्लर हो जाएगा। इसलिए एपरेचर उतना ही रखें रात में भी जितना कि आपको ज़रूरी है, ज़्यादातर चीज़ ब्लर ना नज़र आए, ठीक है। और जितना चीज़ आपको दिखाना है उतना चीज़ ब्लर ना नज़र आए। और ISO को इतना ज़्यादा बम्प अप मत कर दीजिए कि मतलब आपका पूरा का पूरा नॉइजी हो जाए इमेज। मतलब ISO को जो है उतना ही रखिए कि नॉइज़ कम से कम रहे और आपको साफ साफ दिखे, ठीक है। और जो है शटर स्पीड का बात हो गया, तो अगर आप स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हैं रात में तो शटर स्पीड जो है सो कम रखिए, जिससे कि होगा कि, और रात में कोशिश कीजिए, देखिए इसीलिए देख रहे होंगे कि रात में जो है सो इमेज सब जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा धुंधला आता है, ठीक है। तो शटर स्पीड जो है सो रात में जो है सो स्लो हो जाता है, इसलिए रात में अगर आप स्पीड में कोई चीज़ जा रहा है उसका फ़ोटो लीजिएगा तो धुंधला नज़र आएगा, ठीक है। और इसलिए कोशिश कीजिए कि स्टिल चीज़ का अगर फ़ोटो ले रहे हैं तो शटर स्पीड को जो है सो लो करके रखिए, और अगर आपको स्पीड में लेना है तो शटर स्पीड को हाई कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ही में। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि जब हम बहुत पहले इस सब के बारे में पता नहीं था तो हम एक बार नोटिस किए थे कि मेरे डिजिटल कैमरा जो है उसमें जब हम जूम करते थे तो अंधेरा हो जाता था, मतलब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता था, तो उसको रीज़न समझ भी नहीं आया कभी। लेकिन अब हमको पता चला है कि एक्चुअली में होता यह है कि अब आप जब जूम करते हैं कोई चीज़ को तो उसका एपरेचर भी बढ़ता है, ठीक है। तो कभी भी आप जो कोई भी जूम कर रहे हैं तो ये भी याद रखिए कि आपका एपरेचर बढ़ रहा है, ठीक है, एपरेचर बढ़ रहा है और फोकस रेंज बढ़ रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि एपरेचर को जूम करते समय एपरेचर बढ़ता है, इसलिए जब आप जूम करते हैं तो ये बात याद रखिए कि पर्याप्त मात्रा में लाइटिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप स्पीड में अगर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग में भी जो है सो लाइट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और उसी तरीके से अगर आप कोई चीज़ जूम करते हैं तो भी लाइट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यही वजह है कि जब आप बेसिकली एक लेंस लगते हैं और पेपर रखते हैं नीचे सन के रोशनी में तो होता है क्या है कि वो पेपर जल जाता है, ठीक है। लेकिन उसी जगह अगर आपको टेलीस्कोप से देखते हैं अगर सन को तो बेसिकली क्या होता है उसका उल्टा होता है, जलने की आपका आँख जलने के बजाय आप सूरज को साफ साफ देख पाते हैं। इसका रीज़न है जैसे जैसे आप जूम करते जाते हैं एपर्चर जो है सो बढ़ता जाता है, एपर्चर जैसे जैसे बढ़ता जाता है और सन जो है सो उतना उतना जो है सो रोशनी कम होता जाता है, तो सन को आप एकदम क्लियर क्लियर देख पाते हैं इसी वजह से, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो है सो कंडीशन के अनुसार जो है सो अपना एपरेचर ISO और जो है शटर स्पीड चूज कीजिए। ये नहीं है कि हमेशा रात में है तो एकदम एपरेचर को जो है सो एकदम घटा देंगे, शटर स्पीड को जो है सो एकदम मतलब शटर स्पीड तो छोड़ दीजिए, ISO एकदम बढ़ा देंगे। ISO जितना बम्प अप कीजिएगा उतना ज़्यादा नॉइज आएगा इमेज में, तो ये भी याद रखिएगा।
तो यही हो जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट बात था हम आपको बता दिए, तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।